यू आर ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस सर. हम सबकी तरफ से सर चार लाइन आपके लिए अब हम कहना चाहेंगे सर. जहाँ जहाँ हर सर झुक जाए उसे मंदिर कहते हैं, जहाँ सारी नदियाँ समा जाए उसे समंदर कहते हैं. जीवन के इस कर्म भूमि में बहुत युद्ध हैं, जीवन के इस कर्म भूमि में बहुत युद्ध है, लेकिन हर जंग जीतने वाले को संग्राम सिंह जैसा दिग्गज कहते हैं. थैंक यू सर. आई वुड नाउ रिक्वेस्ट अवर रीजनल काउंसिल मेंबर सी ए चिंतन भाई पटेल एंड सी ए फैनिल शाह टू प्लीज वेलकम सर विद अ तो ओन है. सबसे पहले सबको नमस्ते. और हरीश जी, अंजलि जी और बाकी जो आपकी टीम के सारे जुझारू सदस्य जिन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया, एक इतना बड़ा फिटनेस का कार्निवल लेके आ रहे हैं जो 73 डे चलेगा वाकई, और मुझे यहाँ पे बुलाया. थैंक यू सो मच हैविंग मी. और अभी मैंने सुना वर्चुअली आप सब ने बोला, सपना जी को भी सुना. सपना जी भी बहुत फिटनेस के बारे में और उसके बारे में वो अग्रणी रहते हैं हमेशा, वो काबिले तारीफ़ है. और जो भी इंसान ऐसे आगे आके समाज में या अपनी सोसाइटी में आगे रहता है किसी चीज़ में, तो वो सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, मिसाल पेश करता है. तो देखिए, आप सब ने ढेर सारे लॉजिक पॉइंट देख लिए, सुन लिए. अब मैं आप सबको बताऊंगा कि जो ये बात बताने जा रहा हूं ये आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा देंगे बहुत से. तो पहले मैं इसी से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि कल हरी जी और अंजलि जी मेरे पास आए, तो उनको आना था थोड़ा सा पहले, फिर वो धीरे 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 थोड़ा लेट हो गए. तो मैंने पूछा हरी जी कहाँ रह गए थे, बोले जी बिजी थे सर, बिजी थे. तो मैंने बोला कि भैया याद रखो कि जो हमेशा कहे ना कि मैं बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ, वो एक्चुअली व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है. तो अपना अपनी लाइफ का लाइफ स्टाइल एक ऐसा बनाओ कि आप अपने लिए टाइम निकालो, सबके लिए टाइम निकालो. और सबसे पहले मैं कहूँगा जितने यहाँ बैठे अपने फ़ोन को साइलेंट कर लो, क्योंकि बीच में फ़ोन आएंगे ना ये बातें आपको सुनने को मिलेंगी नहीं, और फिर कहीं से भी आप ये सुनोगे तो उसका आपको उतना फ़ायदा होगा नहीं. तो इसलिए याद रखो अपनी लाइफ में एक प्रॉपरली शेड्यूल बनाओ. और कहते हैं ना कि बिजी हूँ बिजी हूँ, बिजी वो नहीं होता, व्यस्त व्यस्त होता है. तो अपने आप को व्यस्त करो, अच्छी बात है. हाँ, अब बात की आ जाते मुद्दे पे. अब मैं आपको समझाता हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ बड़े सिंपल भाषा में. देखिए, हमारी शरीर में जो हमारी ज़िंदगी में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमारा शरीर है. और मैं आपको बताऊँ कि शरीर का इम्पोर्टेंस मैं बहुत जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बीमारी देखी हैं, रूमेटिक अर्थराइटिस से लेके बाकी काफ़ी बीमारी देखी हैं. मगर मैं अभी जैसे कोरोना चल रहा है, बाकी चीज़ चल रही है, आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कोरोना का भूत थोड़ा सा कम हो जाएगा. कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंस रखो, मास्क पहनो, प्रिकॉशंस लो, वो बहुत अच्छी बात है. मगर एक पता है आपको एक बात कि सिक्स पैक बनाना या जीरो साइज होना फिटनेस नहीं होता, वो फिट नहीं होता जब तक आप मेंटली फिट नहीं हो, माइंड बॉडी सोल. आप कितने ही ड्राई फ्रूट खा लो, कितने ही विटामिन खा लो, कितना ही कुछ कर लो, जैसे क्रिकेटर में कई मैंने पढ़ा के बाहर से मंगवाई पानी पीते हैं, भैया कितना ही पी लो, अगर आप मेंटली और सोल से फिट नहीं हो ना, यू आर नॉट हेल्दी. तो काम करो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, अगर आप उससे सही डील करते हैं तब आपका शरीर तो खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा. और मैं कह रहा हूँ, देखो ये विटामिन प्रोटीन मिनरल की भाषा मैं कम जानता हूँ, अब आपको उस पर भी आऊँगा धीरे धीरे. अब मैं आप सबको बता रहा हूँ, एक हिरन है ना, हिरन 90 किलोमीटर प्रति घंटा भागता है, और एक बाघ चीता शेर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा भागते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो हिरण का शिकार कर लेते हैं. पता क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि हिरण के अंदर एक भय बैठ जाता है, डर बैठ जाता है. वो 90 किलोमीटर भागने वाला 60 किलोमीटर वाले को पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहता है, मुड़ मुड़ के देखता रहता है. वो डर में है ना, इम्यूनिटी उसकी जो उसकी जो सांस लेने की क्षमता है वो सब बहुत कमज़ोर हो जाती है, वो मारा जाता है. ऐसे ही कोरोना है. मैं कह रहा हूँ कोरोना है ना, ऐसा नहीं है कि जो हमें मार सके. हमारी बॉडी कोरोना से लाख गुना उसकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है, हम कोरोना को लाख गुना पार कर सकते हैं. वो इतना है ही नहीं कोरोना के जान ले सके. वो जान पता कब लेता है? उस वातावरण में, भय में, डर के. अब मैंने देखा ढेर सारे घर से कोई इंसान ना के बराबर डेथ हुई है,
हॉस्पिटल में जाके उस माहौल में जाके अपने आप को कमजोर समझता है। बहुत से मेरे से पूछते हैं कि सर इम्यूनिटी बढ़ाने का कुछ बता दो, टॉनिक बता दो, कोई च्यवनप्राश हो कुछ हो। भैया इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई टॉनिक कोई च्यवनप्राश नहीं होता, इम्यूनिटी बढ़ती है आपकी करेज से, आपके हौसले से, आपकी हिम्मत से। इम्यूनिटी इससे बढ़ती है कि आपकी उम्मीद से। देखो इंसान को पता है कौन सी चीज़ मारती है, इंसान को कभी धोखा, कभी चैलेंजेस, कभी तकलीफ नहीं मारती, इंसान को मारती है नाउम्मीदी, उम्मीद का ना होना। और ये बीमारी भी वैसी ही है, मैं आप सबको बता रहा हूँ कि काफ़ी ने पूछा, मैंने एक किताब पढ़ी थी, बड़ा एक बड़े वो थे विक्टर फ्रेंक, एक डॉक्टर हुए हैं जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ विश्व युद्ध हुआ तो वो काफ़ी पकड़े गए थे, जो सैनिक थे जेलों में डाल दिए गए थे दूसरी दूसरी कंट्री ने, तो उन्होंने किताब लिखी थी मैन सच फॉर मी। तो उसमें उसने देखा कि उसके साथ जो था, जो नॉर्मली ढेर सारे कैदी पता कब मरते थे वहाँ पे, जब न्यू ईयर आता था या उनका क्रिसमस आता तब मरते थे। क्यों मरते थे? क्योंकि उनको ये भरोसा होता था कि भैया न्यू ईयर पे क्रिसमस पे हमें रिलीज कर देंगे वो। और उसका एक साथी था, वो उस बात ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। उसका एक साथी था, उसका साथी बोला कि मुझे सपना आया कि हमें 30 मार्च को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। तो 30 मार्च को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। तो वो ऐसे दिन गिनता गया और धीरे धीरे करके ना 29th मार्च आया, जब नहीं छोड़ा ना बीमार पड़ गया उस दिन, और 30 तारीख को उसकी डेथ हो गई। अब सब कह रहे थे पुरानी बीमारी है, मगर एक्चुअली क्या था कि उसको उम्मीद ने मार दिया, मतलब उसको नाउम्मीदी ने मार दिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिंदगी में ना उम्मीद रखो। कोरोना वरोना ये बहुत छोटी चीज़ें, इनसे पहले बड़ी बड़ी महामारियाँ आई हैं, बड़ी बड़ी बीमारियाँ आई हैं, मगर इंसान वही बचता है जिसके पास उम्मीद है। जो लाख बार हार के भी अपनी उम्मीद, अपनी हिम्मत, अपना हौसला नहीं खोता ना, मैं कहता हूँ उसको कोई हराने वाला है ही नहीं। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि चैंपियन कौन होता है? चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीतता है, ट्रॉफी जीतता है, फर्स्ट आता है या किसी फील्ड में टॉप करता है। ये माइक भी सरकार की तरह भैया, जब बोलना होता तो बोलता नहीं। रेडी? सॉरी, फिर से हम आ गए हैं। तो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि चैंपियन कौन होता है? चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीतता है, ट्रॉफी जीतता है, किसी फील्ड में फर्स्ट आता है, चाहे वो सीए है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे वो एक्टर है या पॉलिटिशियन है। चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है, जो हिम्मत नहीं हारता है। तो आप अपने फील्ड में लगातार कोशिश करो तो आप चैंपियन हो। और मैं आप सबको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, देखो जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, एथिकल और प्रैक्टिकल। अब अपने क्या है कि भाई गुजरात में तो सारे कहेंगे प्रैक्टिकल अच्छा है, मगर जिंदगी जीने के लिए है ना एथिकल रास्ता बहुत अच्छा है। मैं अब आपको एक सा एग्जांपल दूंगा। ये माइक है ना, माइक जिसमें बोल रहा हूं भैया, आप सबकी आवाज बहुत अच्छी है और बाद में खूब सुनेंगे, आराम से सुनने दो हमें भी। तो जो ये माइक है ना जिसमें बोल रहा हूं, ये माइक का खुद का साउंड कैसा है? अगर हम इसको ऑन कर देंगे ची चा पो ऐसा होगा, थोड़ी देर में हम क्या करेंगे कि इसको बंद कर देंगे। और ये माइक खूबसूरत कैसे है कि एक दूसरे की आवाज़ को प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए माइक खूबसूरत है, इसलिए इस माइक को लोग सुनते हैं। ऐसे ही जिंदगी में हम किसी की आवाज़ बनेंगे ना जरूरतमंद की, किसी के लिए कुछ करेंगे तो लोगों को हम भी याद रह जाएंगे, लोग हमें भी साफ करेंगे, हमें भी इज्जत देंगे। याद रखना, अपने लिए सब करते हैं भैया, अपना पेट तो चिड़िया कौवा चींटी वो भी भरते हैं, पशु भी आते हैं, बच्चे पैदा वो भी करते हैं, वो भी चले जाते हैं। जब मालिक ने इंसान बनाया है ना हमें, तो उसका एक वो महत्व रखो कि भैया मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, द बेस्ट लिविंग इज गिविंग। बेस्ट लिविंग वो नहीं है कि भैया आपने एक बड़ी सी गाड़ी ले ली, आपने बड़ा सा बंगला ले लिया, आपने बड़ी सी सारी चीज़ें कर ली। सबसे बड़ी जिंदगी वो है कि बेस्ट लिविंग इज गिविंग। देना सीखो, कुछ करना सीखो, कंट्रीब्यूट करना सीखो। अब किसी ने बोला कि जी मैं तो इतने ड्राई फ्रूट खाता हूँ, मैं तो इतना वो करता हूँ। मैं फिटनेस के लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ आप सबको, वो पहले वो फॉर्मूला दे देता हूँ आप सबको कि भैया खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना चार गुना। खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना चार गुना। मैं कहता हूँ कभी बीमार हो गए नहीं। और एक आपको स्ट्रॉन्ग एक दवाई बता के जा रहा हूँ इम्यूनिटी बढ़ाने की, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद आपको 5-5 मिनट दिल से खुश होना है।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप राउंड की तरह हंसना है, दिल से खुश हो, हंसो तो आपकी इम्यूनिटी ट्रिपल हो जाएगी। एक ने पूछा कि भैया ड्राई फ्रूट खाता हूँ, वो तो खाता हूँ, मिनरल विटामिन ये सब खाता हूँ। देखो भैया मैं इंसान हूँ ही नहीं, मैं कहता हूँ कम खाना खाओ, काम ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा मजबूत हो जाओगे, पता है ना। अब ये मिनरल, अब बहुत से बोलते हैं जिम में जाओ, कहीं जाओ कि भैया आपका वेट 80 kg ना, फिर 160 ग्राम प्रोटीन खाओ, आपको ये खाना चाहिए, आपको ये काब ये। अरे भैया ये बताओ कि अगर हम ऐसे ही एक थैला उठाए घूमते रहें काम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करो। अच्छा फिर दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, किसी ने मेरे से पूछा कि भैया वो ड्राई फ्रूट खाता है, वहाँ पे थे कि वो सारी चीज़ें वो करता है, उसने ये कर दिया और मैंने तैयारी कर ली। एक मंडी देखी ना आपने, मंडी जहाँ पे ढेर सारे लाला जी बाकी सब बिजनेस करते हैं, तो मंडी में क्या होता है कि बोरिया पता कौन डालता है, 50 kg की 100 kg की, तो चटनी रोटी खाते हैं ना बोरिया डालते हैं। लाला जी 5 kg का भुट्टा नहीं उठा सकते, याद रखना। जो लाला जी बैठे रहते हैं, जो दिन ड्राई फ्रूट खाते हैं, नॉर्मली खाना खाते हैं, 5-10 kg का भुट्टा नहीं उठा सकते। भुट्टा यानी मतलब वो जो तोलते हैं उससे, वो जो चटनी रोटी खाता है ना, वो 100-100 kg की बोरिया डालता है। तो भैया मेहनत से वो है जिंदगी में, है ना, लगे रहो। चैंपियन मैंने बताया ना जो लगा रहता है, देखो पानी सबसे हल्का होता है मगर पानी बड़ी बड़ी चट्टाने तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है? लगातार उसका बहना। जबकि रस्सी पत्थर पर निशान कर सकती है, तो हम तो यार इंसान है ना, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। कोई मेरे से बोलता है कि जी हम इंडिया में पता क्या होता था, हम बोलते थे कि जी लक में नहीं था, भाग्य में नहीं था, किस्मत में नहीं था, तो बाहर का कोच बड़ा हंसता था रशिया का। हम है ना इंडिया वाले पता क्या है, हम कोई बहाना खोज लेते हैं और वो बहाना दुनिया को देते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, अपने आप को भी देते हैं, एक्चुअली बहाने चिपकाते रहते हैं। मैं कह रहा हूं भैया लक भाग्य किस्मत पता कहाँ, यहाँ है। मैं चला गया बहुत से, मैं बड़ा हुआ हूँ जो चौराहे पे उठा उठा खाना बहुत मैंने बहुत खाया है। भूत प्रेत पता क्या होता है, लोग गुजराते भूत है, भूत कौन है भैया, जो बीत गया पहले परेशान था अब कहाँ से आएगा। भूत का मतलब होता है बीत गया, कोई भूत नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि आपका लक भाग्य किस्मत सारे यहाँ पे है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में नहीं है, अंगूठी ताबीज में नहीं है, कहीं पे नहीं है। बस आप मेहनत करो, करो तो आगे तो बढ़ो, सब कुछ आ जाएगा। और जिंदगी क्या है, एथिकली प्रैक्टिकल का मैं एक बता रहा हूँ। जब भगवान राम को वनवास हुआ, उनके पिताजी ने दिया वनवास दिया और वो चले गए। एक रात पहले राजा बनने वाले थे, फिर वनवास हो गया और वो भी चले गए। और भगवान राम श्री राम पता कब बने थे, जब केकई ने जब उनके वर मांगे और वो राज्यभिषेक होने वाला सुबह, तो दशरथ वही लेट गए, तो दशरथ लेट गए, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि राम को बुला के बात कहे। तो अब मैं तीन चीजें बताता हूँ, सिचुएशन सिचुएशन रिएक्शन और रिजल्ट, सिचुएशन रिएक्शन रिजल्ट। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने भगवान राम को बुलाया, उनको बोला कि भैया आपको 14 साल के लिए वनवास जाना है। वो मंथुरा जो उनकी दासी थी बुला के लाई, तो बोला पिताजी को क्या हुआ, बोला पिताजी आपका पुत्र मो हो गया, इनमें से लेट गए। बोला बस माँ बस यही बात है, 14 साल के लिए जाना, कोई बात नहीं। देखो राम का रिएक्शन क्या था, राजा बनने वाला फिर 14 साल का वनवास, एक मिनट भी उसने स्वीकार कर लिया, तो वही वो राम से श्री राम हो गए। हम क्या होती है, सिचुएशन आते हैं ना उसके आगे घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। और मैं कहता हूँ कि जिंदगी में कभी हार माननी नहीं चाहिए, हर चीज़ है ना पॉसिबल होने के लिए बनी है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, इम्पॉसिबल है सिर्फ हमारे माइंड में। मैं कहता हूँ कोई बीमारी होती है, कैंसर हो गया, शुगर हो गया, टीबी हो गई, कोरोना हो गया, बीमारी थोड़ी है, ये कोई बीमारी नहीं है। चिंता करोगे, टेंशन करोगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, ऊपर आ जाएंगी। कोई भी बीमारी हमारे शरीर में सिर्फ 10% होती है, 90% हमारे दिमाग में होती है, और उसको हम इतना बड़ा कर लेते हैं कि सारी बीमारी हो जाती है। मैं पिछले भैया 22-23 साल से, मैं सॉरी माफ़ करना, डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं ना, मैं किसी डॉक्टर को जानता ना, उनकी मानता ना सुनता, और ना मैं मतलब मेरा कोई वास्ता उनसे, मैं इज्जत करता हूँ डॉक्टरों की, अच्छी बात है, बड़ा वो लाइफ बचा रहे हैं, मगर सबसे बड़े डॉक्टर पता कौन है, भगवान कौन है। भगवान मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में नहीं है, भगवान है आपके माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है, उनके पैर छो, भगवान आपका गुरु, भगवान है सूर्य, भगवान है चंद्रमा, भगवान है एयर हवा, भगवान है पृथ्वी, और भगवान है पानी और अग्नि, इसके अलावा कोई भगवान नहीं है। बाकी मूर्तियां बनाने वाले हम हैं, चाहे वो मजार में बनाए, मंदिर में बनाए, गुरुद्वारे में बनाए, चर्च में बनाए, कोई भगवान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ भगवान है हमारे अंदर, कहीं बाहर है ही नहीं। जब भी मुझे होता ना, तो मैं अपने अंदर देख लेता हूँ कि भैया मैं कितना एथिकल हूँ, मैं कितना क्या हूँ, कितना अच्छा हूँ, कितना नॉर्मली हूँ। तो फिर क्या हुआ कि आगे बढ़ते हैं इसी बात पर, तो वो
भगवान राम चले गए, फिर भरत क्या थे कि भरत है ना उस पर बैठ ही नहीं रहे थे। ये बात सुनना आपका, आपके बिजनेस में भी काम आएगी, आपकी जिंदगी चेंज करेगी। भरत क्या था, गद्दी पे बैठ ही नहीं रहे थे, तो वशिष्ठ ऋषि आए जो उनके मुनि थे, उसने कहा कि भैया भगवान और राम जी तो चले गए, अब आप तो बैठो, उसने आपका पिता कहा माना और वो तो चले गए, अब आप क्यों नहीं बैठ रहे अपने पिता की बात सुन के। तो उसने पता है क्या कितनी अच्छी बात बोली थी, उसने बोला कि मैं बैठूंगा तो धरती कांप जाएगी। बोला क्यों, धरती क्यों कांपेगी, इस पे बड़े बड़े इतने भस्मासुर जैसे इतने बड़े बड़े राक्षस हो गए, तब धरती कांपी नहीं तो अब क्यों कांपेगी। बोला उन राक्षसों के बारे में धरती जानती है, अगर राम का भाई भी यही काम करेगा तो फिर धरती माँ किस पे विश्वास करेगी, अगर राम का भाई भी वही बन जाएगा तो भैया धरती माँ किस पे विश्वास करेगी। तो आप अपनी ज़िंदगी में कितने प्रैक्टिकल हो लो, कितने कुछ करो, अगर आप एथिकल रहे नहीं रहे ना तो आप खुश रह ही नहीं सकते। लिखवा के ले लो, वो कहते हैं एक ये सर्कल होता है, पानी कहीं से भी गिरे, पानी कहीं से भी गिरे यहाँ पे आ जाते। और मैं आपसे वो कह रहा हूँ कि भैया अपना कल व्यवस्थित करो, कल व्यवस्थित करो, उसकी चिंता मत करो, व्यवस्थित कर लो। जिसने चोच दिया वो चुग्गा भी देगा, जिसने चोच दी है चुग्गा भी देगा, जिसने कल दिया वो कल की व्यवस्था भी करेगा। और मैं कह रहा हूँ भैया चीटी को कण और हाथी को मण मिल ही जाता है, कोई कहीं से भी रोके, कोई कहीं से भी कहे, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको जाना है। वो कहते हैं ना कि एक खेल होता है एक शतरंज का, जब शतरंज का खेल खेलते हैं ना, राजा वजीर घोड़े सेवक सब होते हैं, मगर वो बाद में एक डिब्बे में चले जाते हैं। ज़िंदगी भी वही है कि हम क्या करके जाएं उस अपॉर्चुनिटी में, और हम ये बात मानते नहीं हैं कि भैया ये होगा या नहीं होगा। ऐसे ही मेरी नज़र में जैसे लाल बहादुर शास्त्री साहब क्या कि बड़े एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर सारे ही अच्छे रहे हैं, बहुत इंस्पायरिंग है, जो इस जिसको भी हम चुनते हैं कोई भी कम नहीं है। एक उन्होंने गाड़ी खरीदी थी लोन लेके बैंक से उस टाइम पे, तो उनका लड़का अनिल शास्त्री जी थे या सुनील शास्त्री थे, मैं जानता हूँ, मेरे नोन भी हैं, तो उस गाड़ी को ले गए, उस गाड़ी को दोस्तों के साथ ले गए। शास्त्री साहब 9 बजे सोने वाले, शाम को 12 बजे तक बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, तो 12:30 बजे घूम के आए तो नींद नहीं आई। उसने उसको डांटा और अपने ड्राइवर से पूछा गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। बोला सर छोड़ दो ना, ये तो तेल तो वहाँ से डल जाएगा, सारी चीज़ नॉर्मली है। बोला नहीं, बोला सर 56 किलोमीटर गाड़ी चली है। उसने निकाल के उसको उसी टाइम पैसे दिए कि भैया 56 किलोमीटर पैसे यहाँ से डलवा लेना। बोला सर इसे क्या फ़र्क पड़ेगा। बोला भैया चाहे कोई फर्क पड़े या ना पड़े, अगर लाल बहादुर शास्त्री भी, शास्त्री जी भी अगर देश के लिए ऐसा करेंगे तो फिर भैया देश के बाकी में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा, लोग विश्वास किस पे करेंगे, भरोसा किस पे करेंगे। ये लाइफ का एथिकल है। और मैं आपको ज्यादा प्रवचन तो दूंगा नहीं, मगर एक लाइफ का सर्कल जरूर समझा के जा रहा हूं। ये सर्कल आप सबको उम्मीद करता हूं कि जिंदगी भर काम आएगा और आगे जाके आपको फायदा देगा। तो आप जितने भी सुन रहे हैं, आप में से कुछ नए बच्चे भी हैं, कुछ आगे भी आ गए हैं, और देखो नेतृत्व करने की क्षमता ना उम्र पर निर्भर नहीं करती, वो आपके कैलिबर पे, आपके साहस पे, आपके टैलेंट पे निर्भर करती है। कोई बहुत से सोचेंगे मैं सीनियर था भैया उसको क्यों बना दिया, वो कम था उसको क्यों बना दिया। तो ये है कि आपकी, हम इंसान पता है कहाँ से बनते हैं, जैसी हमारी सोच होती है वैसे बन जाते हैं। एक बार मैंने देखा कि, मैं आप सबको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ऐसे मौके देखे हैं। एक बार मेरे अकाउंट में सिर्फ 920 रुपये होते थे और मुझे कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऑफर आ गया जो 1.5-2 करोड़ का था, बड़ा। मैं ऐसे किसी घर पे रह रहा, मुंबई गए हुए थे, तो कोल्ड ड्रिंक कंपनी वाला आया, उसने बोले कि जो बीच वाला था कि भैया ढेर सारे होर्डिंग लगेंगे, वो स्टार करता है, ये स्टार करता है, और हम इतने बड़े हो जाएंगे और फिर करोड़ों की फ़ैन फॉलोइंग होगी, अरबों की फ़ैन फॉलोइंग होगी। मैं सुनता रहा, क्योंकि भैया मैं तो नेचर से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, ज़मीन वाला आदमी हूँ, तो ज़मीन वाला हूँ, जो ज़मीन वाला इंसान हो ना उसे किसी डरने की जरूरत होती नहीं कभी भी, सेल्फलेस इंसान हूँ। मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर भी वही है, मेरे लिए भैया सुपरस्टार भी वही है, मेरे लिए रिक्शा वाला भी वही है। जो सेल्फलेस सोचेगा ना उसके लिए सब बराबर हैं। और मैं सुबह उठता हूँ ना सिर्फ दो ही चीज़ सोचता हूँ, व्हाट आई कैन गिव टू माई सोसाइटी, व्हाट आई कैन गिव टू माई कंट्री, नथिंग एल्स। और मुझे कुछ चाहिए नहीं किसी से, मैं सोचता हूँ कि भैया मैं कैसे जरिया बन सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। तो वो बोला कि इतनी फॉलोइंग होगी, इतना ये सब होगा। तो मैं उसको बोला भैया देखो अगर दो बच्चे ही फॉलो कर रहे तो उनको जहर पिला रहे हैं, ये चीज़ अच्छी तो है नहीं। बोला ये है वो स्टार देखो, इतने ऐड चल गए, सारी चीज़ें हो गई, सब हो गया। तो मैंने कहा भैया अगर रात को सुकून से सोना तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है, ज़िंदगी भी वही है। फिर वो चला गया, उसने को बोला काफ़ी कि भैया कल का भरोसा है नहीं, कल का खाना है नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये एथिक्स वहाँ चलते हैं, दूसरी जगह चलते हैं, बहुत ये चलते हैं। फोन आया उसका 3 दिन बाद जो एरिया मैनेजर था, हु यू आर, मैं सुनता रहा, वी हैव सचिन धोनी सलमान ई टी सी,
मैं सुनता रहा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब आपने बोल लिया, तो एक बार मैं बोलूँ बात? बोला बोलो। मैंने कहा तब थे 920, अब रह गए 610, 3 दिन में दूध और केले में खर्च कर दिए हैं, ये भी निकाल के दूंगा और फ्री में ऐड करूंगा अगर आप बोलोगे कि भैया टॉयलेट साफ करना है। तो मेरे घर में मैं बोलता हूँ जितने मेरे दोस्त हैं जो फास्ट फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, इससे अच्छा अगर आप थोड़ा थोड़ा जहर खा लोगे ना, वो कम मारेगा या ज़्यादा मारेगा आपको। तो फास्ट फूड नहीं खाना है, अपनी लाइफ को हेल्दी बनाना है। और मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में ना सिर्फ एक आदमी मेरा खास दोस्त है, मैंने बोला था यहाँ भी, जो इंसान अपना खुद का दोस्त नहीं बनाना वो किसी का दोस्त हो नहीं सकता, और वो मेरा खास दोस्त मैं हूँ। तो आप अपने दोस्त नहीं बने ना तो भैया यू आर लाइंग टू एवरी वन। आप अपने दोस्त नहीं बने ना, आप अपने माता पिता के, ना फैमिली के, ना बीवी के, ना बच्चों के, ना दोस्तों के दोस्त हो ही नहीं सकते। अगर आप कह रहे हो तो आप झूठ बोल रहे हो। सबसे पहले अपने दोस्त बनो और प्रमोट करो चीज़ें। ज़िंदगी में कई चीज़ें होती थी, जैसे स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स का एक पीक होता है ओलंपिक मेडल जीतना, मैं हमेशा बोलता हूँ। वो हम कर नहीं पाए उस टाइम पे, लैक ऑफ फाइनेंस लगाओ, लैक ऑफ गाइडेंस लगाओ, लैक ऑफ फैसिलिटीज लगाओ, या लैक ऑफ वो माइंड था ही नहीं। अब मैं ढेर सारे बच्चों का जरिया बनने की कोशिश करता हूँ कि भैया अगर वो जीतेंगे ना तो देश के साथ साथ मेरा सपना पूरा हो जाएगा, कि मैं नहीं कर पा तो ये कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो एक वो चीज़ रखो। एक टाइम होता था कि सरकारी स्कूल में जाते थे, बस का किराया नहीं होता था, सारी चीज़ें होती थी, एक निकर, एक खाकी निकर पहनते थे, एक सफ़ेद कुर्ता होता था शायद, और वो भी एक साल में एक बार मिलता था, जब अनाज वनाज वो हो जाता था ना, जिस फैमिली से हम आए, काफ़ी हम्बल फैमिली से आए हूँ। अब मालिक की दया से मेरे 160-165 बच्चे हो गए हैं, 35 मेरे गांव से, जिसमें 90 लड़कियां, कुछ लड़के हैं जिनका करने वाला मालिक है। मैं पोस्टमैन हूँ, चिट्ठी यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, उनकी एजुकेशन का, उनकी यूनिफॉर्म का, उनकी हर चीज़ का, इसलिए मैं बोलता हूँ। और मैं बहुत सुकून से रहता हूँ, मैं किसी भी उसमें रहता ही नहीं कि मैं किसी उसमें नहीं रहता कि भैया ये चीज़ होनी है, ये चीज़ होनी है। अब एक भाई साहब का फ़ोन बजा, मैं उनके बता देता हूँ, दिन में है ना हम 30 फ़ोन उठाते हैं, 40 फ़ोन उठाते हैं, और पता है क्या, 40 में से ना 36 काम के होते ही नहीं, 36 ऐसे होते, कोई 10 करोड़ चेक लेके बैठा है, मेरे पास कोई आ जाता तो बोला नहीं बैठा हुआ, तो फिर मैंने कहा रहने दो भैया, जो बाद में जो ये जो देश को बचाना, परमाणु बम बनाना, बोला नहीं बनाना, न्यूक्लियर डील है, बोला नहीं डील है, कोई इंडिया पाकिस्तान का वार रुकवा रहे, बोला नहीं रुकवा रहे, तो फिर भैया इससे ज़रूरी काम क्या है? माता पिता का फ़ोन सुन लिया भैया, उनका फ़ोन उठाओ, ज़रूरी बात है, बाकी तो काम धंधा तो चलता ही रहता है, एक थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लिया करो। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ, कट्टू आ जाता हूँ, बाकी चीज़ें बताऊँगा तो बहुत थिन लाइन है। लाइफ क्या, लाइफ अब ये बताओ कि भैया सक्सेस क्या है? अब मैं मान लो मैं हरि जी से पूछूंगा या अंजलि जी से पूछूंगा या बाकी सबसे पूछूंगा, कहेंगे जी सक्सेस हमारे लिए वो है। किसी के लिए सक्सेस है पैसा, किसी के लिए सक्सेस है कि भैया मैं उस पोस्ट पे पहुंच जाऊं। कोई पॉलिटिक्स में उससे पूछूंगा तो जी मैं वो मिनिस्टर बन जाऊं या चीफ मिनिस्टर बन जाऊं या वहां पहुंच जाऊं, मतलब सबका एक सक्सेस का पैरामीटर है। और मैं आप सबको एक जो बात बता के जा रहा हूं सक्सेस क्या है, ये बात है ना आप याद रखना और बच्चों को भी बताना, सक्सेस क्या है कि लाइफ का सर्कल है, और अगर उस लाइफ के सर्कल को आपने ठीक कर लिया ना तो मैं कह रहा हूँ इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं। तो ये सर्कल आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। लाइफ का जब पहला साल होता ना, एक साल के हम होते हैं, तो हमारे लिए बगैर किसी के सहारे के चलना सक्सेस है। जब हम 4 साल के होते हैं ना तो हम अपने हम अपने निकर में या पेंट में पेशाब नहीं करें, सूसू नहीं करें तो सक्सेस है हमारे लिए। जब हम 8 साल के होते हैं ना तो जो कई बार चले गए और घर का रास्ता याद रह गया तो सक्सेस है हमारे लिए। जब हम 12 साल के होते हैं ना, कोई दोस्त बन जाए, अच्छे दोस्त बनाते हैं तो जिंदगी वो सक्सेस है। जब हम 18 साल के होते हैं ना तो ड्राइविंग लाइसेंस मिलना या फिर हायर स्टडी के लिए किसी कॉलेज में जाना वो सक्सेस है। जब हम 23 साल के होते हैं ना, जब हम ग्रेजुएशन हमें मिलती है, थोड़ा सा वो करते हैं, वो सक्सेस होता है। जब हम 26 साल के होते हैं, 25-26 थोड़ा सा कमा लेंगे ना, वो सक्सेस है। अब देखना ये कैसे घूमेगा। 30 साल के होते हैं ना तो शादी हो जाती है, फैमिली मैन, फैमिली वुमेन, ये सब बन जाते हो, सक्सेस है। 35 में सोचते हैं कि भैया थोड़ा सा और कमा ले तो सक्सेस वो है। और 45 में जाके फिर हम सोचते हैं कि 25 जैसे दिखे, 30 जैसे दिखे, वो सक्सेस है। 50 में जाके फिर हम सोचते हैं कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दे, वो सक्सेस है। 55 में हम सोचते हैं कि भैया मैं अपनी सारी ड्यूटी सही तरीके से कर रहा हूँ, वो सक्सेस है। 55 में हम क्या सोचते हैं कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, सक्सेस है। 60 में हम क्या सोचते हैं कि भैया मैं गाड़ी चला सकता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस ठीक है, वो सक्सेस है। 65 में हम क्या सोचते हैं कि भैया शरीर में कोई बीमारी है नहीं, मैं थोड़ा सा उसे बचा हुआ हूँ, सक्सेस वो है। 70 में क्या है कि मैं किसी पे बोझ ना बनूं और मैं किसी पे वो सब ना करूं, सक्सेस वो है।
75 में अगर हमने अपने पुराने दोस्त रख लिए जो बचपन में बने थे 12 साल की उम्र में या जो बाद में बने, तो दोस्त मिल गए, सक्सेस है। 80 में फिर से हमें घर के रास्ते याद आ जाएं, जहाँ पे हम गए हैं बाहर से आ जाएं, वो सक्सेस है। 85 में फिर से हम अपनी निकर में पेंट में सुसु ना करें, यूरी ना करें, वो सक्सेस है। 90 में फिर से हम किसी के बगैर किसी के सहारे चले, वो सक्सेस है। तो लाइफ का सर्कल है, मैं कहता हूँ ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो भैया, इस सर्कल को अगर आपको सही बनाना है, मेंटेन करना है, तो अपने आप को हेल्दी रखो, अपने आप को फिट रखो, और वो चीज़ करो जिससे आप प्यार करते हो। भले ही आप CA हो, भले ही कुछ हो, अगर आपको बनना कुछ है और आप दूसरी चीज़ कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपना भी टाइम ख़राब करोगे, अपनी एनर्जी ख़राब करोगे, और उस चीज़ में 100% दे ही नहीं पाओगे। सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं होता। मैं कहता हूँ कि भैया, जो एक बाहर बैठा है रिक्शा वाला, वो ज़्यादा खुश है एज़ कम्पेयर जो हमारे मिनिस्टर बैठे हैं उनसे। सक्सेस का पैरामीटर कोई ना पैसे से होता, ना किसी प्रतिष्ठा से होता, ना धंदौलत से होता, किसी चीज़ से नहीं होता। सक्सेस का पैरामीटर होता है हमारे उससे। और मैं कह रहा हूँ कि भैया, इंसान ज़िंदा रखो, जो इंसान सही है ना, बाकी सब हो जाएगा। पैसा, फेम, ये सब धूप छाँव की तरह है। अगर आपकी इंसानियत सही है, वो ज़िंदा रखोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि हमेशा खुश रहोगे। और खुश इंसान कब रहता है? जब उसका एक अंदर से भाव आता है। याद रखो, कोई उठा के लेके, ये जो पुरस्कार मिलते हैं, सम्मान मिलते हैं, कभी लेने वाले कोई मिलता है? पुरस्कार सम्मान सब उसको मिलते हैं जो देना देता है, जिसको समाज ये मानता है, हम सब मानते कि इसने काफ़ी कुछ किया है। मुझे मौका मिला था अब्दुल कलाम साहब से मिलने का, तो उस टाइम तो नॉर्मली था, मगर उसने एक हम दो तीन पहलवान थे, ऐसे बैठे हुए थे, डिनर कर रहे थे, तो हमें दूध ऐसे पी रहे थे, ऐसे पीते ना, गांव से आए थे, पता नहीं था, तो सब हमारी तरफ देख रहे थे, सब हमारी तरफ देख रहे। तो कलाम साहब, वो कोई प्रोग्राम था, कलाम साहब आ गए पास में, तो कलाम साहब बोले कि आप है ना, कोई सबको लगे ये ठीक है और आपको लगे ये सही नहीं है, तो अपने आप को गलत नहीं, अपने आप को अलग समझना। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। तो कलाम साहब हमारे साथ बैठ के, और उन्होंने, हम तो कप में पी रहे थे, उन्होंने क्या किया, वो मंगवाई जो गांव में पीते, और हमारे से भी ज़्यादा आवाज़ करके पिए। बोला भैया, दुनिया की चिंता छोड़ दो, इसमें आप इंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप हो, ये आप सबको देख रहे हैं, और ये आप सबको देख रहे हैं, तो आप जो कर रहे हो। अब ये बताओ ना कि भैया, अगर हल भी हम जोतेंगे तो बैल क्या करेगा? जो दुनिया वाले हैं, जो बैक बाइटिंग करने वाले हैं, बुराई करने वाले, अगर उनका काम भी हम करने लगे तो बेचारे वो खाली हो जाएंगे ना। करने दो उनका काम, हमारा काम हमें करना है। जो बोलते हैं, जो सब कुछ करते हैं ना, वो तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। और मैं बात एक हमेशा बोलता हूँ, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पर हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और मेहनत करो, और मेहनत करो, और जब जिस पे जमाना आस्था, इतिहास वही रचता, और इतिहास वो हमारे जैसे पागलों में से कोई रचता है। याद रखना, समझदार इंसान सिर्फ बैठ के पढ़ते हैं उसको, समझदार इंसान कभी हिस्ट्री नहीं बनाते। मैंने पहले ही बोला है, ये हेल्थ फिटनेस पता है क्या है? हेल्थ का चक्कर में बताऊं, मैं वर्कआउट करता हूं 3-4 घंटे। अपने से एक नया चैलेंज लो। और भैया, उम्र खाली क्या होती है? एज इज जस्ट नंबर। अब आपके ऊपर है कि आप 20 साल में बूढ़े हो जाओ या 100 साल में जवान दिखो। अब आजकल मैं फिर से रेसलिंग में वापसी करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं बच्चों से वाउट करता हूं, जो मेरे साथ खेलते थे उनके बच्चों से फाइट करता हूं। तो हार जीत तो ये कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप कितना हेल्दी पार्टिसिपेट करते हो। अपनी लाइफ में भी वही है, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए। और याद रखना, बुराई वो करते जो बराबरी नहीं कर सकते। हम तो बराबरी करने आए, हम तो आगे बढ़ने आए हैं और आगे बढ़ाने आए हैं। याद रखना है कि हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी करना है दूसरे में। और हमारे फ़र्क कब होगा? दूसरे में और हमारे फ़र्क पता तब होगा जब हम वो कुछ बेहतरीन करेंगे, अच्छा करेंगे। अपने लिए आप करो, इतने खुश नहीं रहोगे। एक स्टडी हुआ था, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश वो रहे हैं, नॉर्वे के, इन सब के इंसान ज़्यादा खुश क्यों थे, वो उन पर स्टडी किया गया। वो इसलिए खुश थे कि वो सेल्फलेस थे, वो देना जानते थे, वो लंबे जिए, खुश रहे, काफ़ी कुछ कर रहे। हम अपने छोटे छोटे उसमें उलझे रहते हैं। कितने ही, मैं कहता हूँ कि भैया, अगर एक शरीफ आदमी के साथ, एक सादे इंसान के साथ अगर आप छल करते हो ना, आप कितने बड़े खिलाड़ी हो, अपने बर्बादी के सारे दरवाजे खोल रहे हो। लिख के दे सकता हूँ मैं बात, कितने बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं, मुझसे बड़े थोड़ी हो सकते हैं। और वो कहाँ है? वो हमारे यहाँ पे है, दिल में हो, हर कण कण में, हर जगह है, ऊपर से नहीं देख रहा होता। हम क्या करते हैं, अब मान लो यहाँ पे CCTV चल रहा है, मैंने ये उठाया तो भैया मैं सोचूंगा कि भैया ये नहीं, CCTV चल रहा है, ये तो गलत है। और बाहर जाके हम भूल जाते हैं कि भैया ये CCTV की फुटेज हम डिलीट कर सकते हैं, मगर उसका CCTV हमेशा चलता रहता है,
उसकी फुटेज कोई डिलीट नहीं कर सकता। तो याद रखो, अपने से पहले ईमानदार बनो। और जिंदगी में एक पुरानी कहावत है कि भैया, छीन के खाने वालों कभी पेट नहीं भरता और बांट के खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। जिंदगी भी वही है, लाइफ भी वही है। मैं कह रहा हूँ कि टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा। कभी साइकिलिंग कर लिया आपने, कभी आपने प्राणायाम कर लिया, कभी योगा कर लिया, कभी भाग लिए, कभी दौड़ लिए, दिल से खुश रहो तो आप अपने आप फिट हो गए। धीरे धीरे फिर पैरामीटर आएगा कि किसी को मसल बनानी है, किसी को जिमनास्टिक बॉडी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो धीरे धीरे बन जाएगा। मगर मेन क्या है कि आपको खुश होने चाहिए। एक ने मेरे से पूछा कि मगर कार्टव्हील करूँगा तो, आप एक कार्टव्हील करते तो फिर क्या होता? मैंने कहा खुश हो जाता हूँ। बोला फिर? मैंने खुश हो गया तो शरीर अपने आप अच्छा बन गया। तो जिंदगी में वही है, जो चीज़ आपको खुश करती है फिजिकली करो, मेंटली भी रहो, मगर खुश रहो। अब मैं आपको ढेर सारे पैरामीटर बताऊंगा कि भैया ये सब है। हाँ, एक बात याद रखो कि भैया लाइफ की शुरुआत है ना, जितनी सिचुएशन टफ रहेगी, जितना टफ रहेगा, जितनी मुश्किल रहेगी, वहां से उतनी बेहतर होगी। सुविधाओं में कोई चीज़ नहीं बनती। कोई पेड़ एक लगा लो, एक घर के अंदर लगा लो, पानी डालो, सब कुछ करो, एक बाहर लगा दो, जहाँ पे पशु भी तोड़ते हैं, सब तोड़ते हैं, सब वो करते हैं। मैं कहता हूँ बाहर वाला पेड़ है ना वृक्ष बन जाएगा, घर वाला ना छोटा सा पेड़ ही बनेगा। तो भैया हम बने उसके लिए, कोई चैलेंजेस आए, टफ आए, फेस करो, सारी चीज़ें करो। दुनिया कहती है ये प्रॉब्लम मुझे नहीं आई, मैं कहता हूँ भैया सारी प्रॉब्लम मुझे दो। अरे जिसके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, क्या कौन क्या कब बिगाड़ सकता है, कौन क्या ले सकता है। जिंदगी में हम लेके क्या आए थे? कुछ लेके नहीं आए ना, मगर जिंदगी में हम देके जा सकते हैं अच्छी चीज़ें, अपना कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हम देके जा सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि लाइफ में जो भी आपकी सिचुएशन है वहीं से स्टार्ट करो, भले ही फैसिलिटी है या नहीं है। जो दुनिया के बड़े बड़े महान आदमी हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री साहब से लेके, अब्दुल कलाम साहब से लेके, इवन मैं भी कई दिन पहले पढ़ रहा था, इवन मोदी जी के बारे में पढ़ रहा था, भैया इन्होंने भी एक्स्ट्रा वो चीज़ें की है। देखो मैं सिर्फ पॉजिटिव देखता हूँ कि भाई सकारात्मक पहलू क्या है, नकारात्मक कभी नहीं देखता। तो ये देखो कि अब जो अपनी लाइफ में आके वो अचीव करता है उसकी अचीवमेंट क्या है। मगर हम क्या करते हैं कि अचीवमेंट के साथ सबके दो पहलू होते हैं, सही पहलू गलत पहलू। सही देखो ना कि भैया उसने कैसे अचीव किया, कहाँ पे पहुँचे। देखो हमारा राष्ट्रीय फूल कमल कीचड़ में खिलता है मगर उसकी सुंदरता कभी खराब नहीं होती, उसकी सुंदरता बनी रहती कीचड़ में खिल के भी। अब मान लो मेरे पास ये घड़ी है, ये घड़ी गिरेगी तभी तो भैया मैं दूसरी खरीदूंगा ना। अगर ये घड़ी नॉर्मल रहेगी तो मैं इसको बांध के घूमता रहूंगा। इस जिंदगी में कभी परिवर्तन आने से नहीं डरना चाहिए, परिवर्तन को रोकने से डरना चाहिए, याद रखो। और लाइफ में जहां पे भी आप हो, जिस भी सिचुएशन में आप हो, हम पेड़ तो हैं नहीं, थोड़ा मूव कर सकते हैं, फिर से कोशिश कर सकते हैं। मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, हमेशा एक बात बोलता हूं कि भैया मैं हमेशा क्या है कि मैं कभी हार नहीं मानता। दुनिया मान लो अपनी आबादी 140 करोड़ 139 करोड़, 99,99,999 कहेंगे ना, ये बात ऐसे नहीं होगी। और साला यहाँ से आवाज़ आ गई कि ये बात ऐसे होगी, तो मैं तो पागल आदमी हूँ भैया, मैं तो उसके पीछे लगा रहता हूँ, पड़ा रहता हूँ। जब तक तो कोई चीज़ नहीं हो ना, देखेंगे हार गए तो क्या है कि भैया कैप्टन बन जाएंगे, जीत गए तो खुश हो जाएंगे, हार गए तो लोगों को आगे आके वो करेंगे कि भैया ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, जीत गए तो अच्छी बात है। तो लाइफ में रिस्क लो, विदाउट रिस्क वी कान डू एनीथिंग। जिसने रिस्क नहीं लिया लाइफ में, जितने एक जाते जाते एक बात और बता देता हूँ तीन तरीके के जिंदगी में ना, तीन तरीके के आदमी होते हैं। एक आदमी होते हैं कि अपनी लाइफ में आते हैं, जीते हैं, और फिर लास्ट में है ना बड़े दुखी मरते हैं। क्यों? बड़ी सक्सेसफुल जियेंगे, नॉर्मली जियेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी कोई रिस्क लिया ही नहीं होता, कोई बाधा पार की नहीं होती। सेकेंड आते जो लाइफ में आते हैं, थोड़ा सा 50% रिस्क लेते हैं, मगर जाते हुए फिर पता है क्या है, जाते हुए वो थोड़े से खुश होते हैं 50% के, चलो हमने वो तो किया। और भैया तीसरे आदमी हमारी तरह पागल होते हैं, वो आते हैं और लोग उनके बारे में बैठ के पढ़ते हैं कि भैया ये चीज़ थी वो कर गया, वो चीज़ थी वो कर गया, ये चीज़ थी वो कर गया। मैं आपको बताऊं कि सरकारी स्कूल में पढ़ा हार्डकोर, और 33% नंबर आ जाएं तो भैया गनीमत था कि घर वाले पीटेंगे नहीं। मैं IIT IIM आता हूं, एक बार शायद आपके इधर आया था IIM में, तो मैं एक लड़की से पूछा कि भाई आपका मार्क्स परसेंटेज क्या है, बोली सर 95% है। मैंने कहा भाई गलत आदमी आ गया, यहाँ तो मर पड़ के 33% ले लो तो घर वाले बच जाते थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल के बच्चे हैं ना, दिक्कत क्या है कि स्कूलों में कॉलेजों में हर जगह पढ़ाते हैं त्रिकोण समकोण षटकोण, मगर जो जिंदगी का दृष्टिकोण है ना कोई पढ़ाता ही नहीं। आजकल के बच्चे पढ़ लिख के भी अनपढ़ हो जाते हैं।
उनके मॉरल वैल्यूज कम हो जाते हैं। अब कोई बड़ा आदमी आएगा हम कुर्सी छोड़ देंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि भैया आप सब बहुत टैलेंटेड हो, बहुत क्रिएटिव हो, आप सब में बहुत कुछ चीजें हैं, मगर साथ में थोड़े संस्कार भी सीखो और ये सीखो कि हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू फेस लाइफ। थोड़ी सी समस्या आएंगी। अब भैया हमें ना घर वाले पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, टीचर पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे और घर वाले खुश होते थे कि भैया ठीक है गलती करके आया हुआ, पीटो इसको। और हमें पता ही नहीं होता था स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या। आज मैं देखता हूँ कि वो 85% नहीं आए, 84% आए। वो है ना वो स्वाति डिप्रेशन में है, अच्छा वो है ना वो मुनीर उसने तो सुसाइड की सोच रहा है। तो मैं समझता हूँ भैया कहाँ जा रहे हो तुम, किस कौन सी जिंदगी जी रहे हो, कौन से ग्रह प्राणी हो। ये 80% 90% 100% से कुछ नहीं होता, करे कुछ नहीं बनता। आज जो मेरे साथ जो काम करते हैं वो सारे मैनेजमेंट वाले लड़के लड़कियां बहुत क्वालिफाइड हैं, मैं उनमें सबसे कम पढ़ा लिखा हूं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हालांकि मैंने भी LLMP किया, लड़के एमए पास किया है। एक बार मैं बड़ा फन इंसिडेंट है, चेतन भगत साहब तो चेतन भगत साहब का क्या था कि एक मैं शो कर रहा था, बड़ा फनी है उसका मेरा चलता रहता है। तो उसने बोला कि ये चीज ऐसे करनी चाहिए थी। मैंने कहा जी देखो आप इंग्लिश वो सिखाते हो, इंग्लिश तुम पढ़ नहीं पाता, मेरी उतनी इंग्लिश तो अच्छी है नहीं, मगर सर मुझे लगा कि आप भी मेरे तरह DDMP हो। बोला मतलब? मैंने कहा धक्कम धक्का मैट्रिक पास, में सोचता था कि आप भी पढ़े लिखे आदमी हो, आप तो सारी चीजें हैं। तो भैया क्या है जिंदगी में ना, जो एक बच्चा ना उसको कभी मत मरने दो। और ये पद प्रतिष्ठा बाकी चीजें दूसरी चीजें तीसरी चीजें कुछ काम नहीं आती, काम आता आपका करेज, आपका जीने का बिंदासपन और आपका हर पल खुश रहना। मेरे लिए जो भगवान है ना कोई है ही नहीं। मैं अपने फोटो रखता हूँ पर्स में, अपने घर में फोटो पता किसकी रखता हूँ, अपने माता पिता की रखता हूँ, अपने गुरु की रखता हूँ। क्योंकि जो मैं खड़ा हूँ ना मेरी माँ कान खड़ा हूँ, और मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं, उसने ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं कहता हूँ वो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से नहीं मिल सकते, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से। और मुझे प्राउड है, आज मैं ढेर सारी जगह जाता हूँ, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ जहाँ पे अपने IAS IPS ये IRS सब ट्रेनिंग करते हैं। अब मुझे बाहर से आवड़ से भी आया था, अभी कोरोना आ गया तो मैं जाता वही हूँ। मैं हर जगह भैया की बात बोलता हूँ कि भैया अपना क्या कुछ नहीं है, ज़िंदगी को ऐसे जियो कि भैया बिल्कुल जैसे मान लो कि हर पल को ऐसे जियो कि पल दोबारा आएगा नहीं। और जो सही तरीके से करेगा ना वो सांस लेने में फिट रहेगा। भैया मैं कह रहा हूँ कि सूखी रोटी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया क्या करना है, पानी को आपको क्या करना है, पानी को आपको खाना है, बैठ के पीना है, पानी को खाना है, पानी को ऐसा चबा चबा के कर दो कि खाने जैसा बन जाए, ऐसे खाना है और खाने को पीना है, चबा चबा के इतना पतला कर दो कि पानी बन जाए। ये थोड़ी सी चीज़ें, दो चार चीज़ें ध्यान रखो, टाइम मिले तो वज्रासन में बैठ जा करो। भैया सुबह सूर्य लो, शाम को चांद देखो मिलता तो, फ्रेश एयर में एक्सरसाइज करो, AC में वो ढम ढम बजा लेते हैं भैया उसका फ़ायदा नहीं है, अपने आप से बात करो। और 5 मिनट है ना अपने आप से बात किया करो, अगर आप वो काम नहीं करते तो आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका खो रहे हैं, इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। और ज़िंदगी में ना हर पल खुश रहो, खुश रहोगे तो भैया क्या कोरोना, क्या दूसरी चीज़ें, क्या तीसरी चीज़ें, क्या कुछ, वो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ फिर भी बीमारी है, आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं बच्चे हैं उनका ख्याल रखो, प्रिकॉशंस रखो, उनको मास्क पहनो, मास्क तो वैसे भी अच्छा है पहनना चाहिए, जिस हिसाब से पोल्यूशन हो गया तो कोरोना की जरूरत है नहीं, हमें तो वैसे ही मास्क पहनना चाहिए इंडिया में तो, क्योंकि ढेर सारी इतनी गाड़ियां हमने कर ली हैं, इतना कुछ कर लिया है। और है ना अपनी लाइफ को ना थोड़ा सिंपल बना लो, साधारण बना लो। देखो जो क्या है, अगर सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, अगर अपनी लाइफ को ज़्यादा ठाठ हुए कर लिया ना तो उसमें दुखी रहोगे। और ज़िंदगी का मज़ा है ना जो थोड़े से कम समझदार वही लेते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे अपने अपटूडेट बनते हैं ना परेशान ही रहते हैं, कहीं पे भी चला जाए और परेशान जो रहेगा ना वो रहेगा ही, उसका फ़ायदा क्या है। एक कवि ने 4 लाइन बड़ी ज़बरदस्त लिखी थी, वो मैं कही जाता हूँ तो बोलता हूँ, बताता हूँ आप सबको कि भाई रियलिटी ये लाइफ का, ये इसमें सब कुछ आ जाएगा। मैं वो आदमी हूँ ही नहीं कि भैया 60 ग्राम प्रोटीन और 66 ग्राम ये न्यूट्रिशन और ये कुछ होता ही नहीं, सब फालतू ही बात होती है। जो दिल करे वो खाओ, घर का बना हुआ खाओ, घी खाओ, दूध पियो, इससे तो कोई बेस्ट चीज़ है ही नहीं। मीठा खाओ, गुड़ खाओ, खांड खाओ, चीनी थोड़ी कम कर दो, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, तला हुआ खाना, माइक्रोवेव का खाना, लाल मिर्ची थोड़ा निकाल दो बाहर फेंक दो। और जो रिफाइंड ये कहते हैं ना, ये मैं ये तेल खाता हूँ, अरे इवन मैं कई बार देखता हूँ कि जो बड़े बड़े होते हैं मैं उनको मना करता हूँ, अपने गांगुली दादा वो एक पता नहीं है कि कोई कंपनी थी उसके तेल का ऐड कर रहे, ये खाने से हार्ट ऐसा होता, अटैक आया तो पता चला। भैया आजकल क्या होता है कि हम लाइफ को वैसे बना लेते हैं कि डिस्टेंबर नहीं होता है, दीवार पे पेंट कर दो डिस्टेंबर बड़ा दिखेगा, कागज वागज चिपका देते हो, अरे दीवार तो नहीं अंदर से गिरने वाली होती हो। एक वो रेमोडी सुधा साहब से मैं मिला,
रेमोडिसिवर साहब से मिला, बड़े अच्छे आदमी है, मगर थोड़े दिन देखा बड़े सिक्स पैक दिख रहे, टैटू वैटू सब बना रखी है, अगले दिन देखा भाई हार्ट अटैक आ गया। तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि कौन सी लाइफ जी रहे हो या किसको दिखाने के लिए जी रहे हो। मैं अपने लिए जीता हूँ और मैं जीता हूँ नेचर के लिए, कि भैया जहाँ पे पानी खुला तो पानी को रोकूंगा, बिजली अगर वो वेस्ट हो रही है मैं उसको रोकूंगा। देखो कोरोना ये सब कुछ नहीं है, नेक्स्ट जो हम मरेंगे ना वो पानी की कमी के कारण मरेंगे, तो भैया पानी को बचा लो, हवा को बचा लो, पेड़ लगाओ, वो चीज़ें करो जो हम नेचर से ले रहे हैं उसको तो दो ना, हम कितने चोर हैं कि लेते रहते देते कुछ है नहीं। तो रियल लाइफ जियो, जेन्युइन लाइफ जियो, दिखावे की लाइफ में कोई फर्क है ही नहीं, क्या फ़ायदा उसका। मैं भी कोट पैंट पहन के आया हूँ, स्पीच दे रहा हूँ, अच्छी बात है, मगर मैं खुश पता किस में रहता हूँ, स्पोर्ट्स की निकर टी शर्ट में मैं वो पहनता हूँ, खुश रहता हूँ। और लाइफ में ना सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन पता है क्या, आप सबको बता रहा हूँ, ये शायद आप सब काम आए, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन रिजेक्शन, कुश्ती में रिजेक्ट किया गया, सोचते थे ये साला ये पहलवान नहीं करेगा, ये रेसलर बनेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं बनेगा। फिर मौका मिला, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, प्रोफेशनल रेसलिंग में आए, तुक्का लगा कि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बना, समथिंग समथिंग। फिर मैं आगे आया, मैं बोल नहीं पाता था, बड़ा शायद था, ऐसे शर्माता था, अरे क्या बनेगा। फिर मैंने एक स्पीकर साहब को सुना, भैया वो मुझे पता था मोटिवेशनल स्पीच क्या होती हैं, जिंदगी में ये और सुबह 4 बजे उठ के करना चाहिए। मैं सोच रहा है इतना मोटा इसके बालोड़े में अगर 4 बजे उठता तो ठीक हो जाता, मतलब मेरे माइंड में चल रहा था कि भाई इतना मोटा है ये, इसके बाल बाल उड़े पड़े और ये जिंदगी में 4 बजे कर लो। मैंने कहा, मैंने इसे पूछा, क्योंकि जो दिल में था वो पूछना चाहिए, मैंने कहा जी जो आप बोल रहे हो आप करते भी हो, मतलब कोई शक है। मैंने कहा जी मैं सोच रहा हूँ 4 बजे आप उठते हो तो थोड़ा सा पेट कम हो जाता, बाल बाल और उगाते तो मतलब 4 बजे तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, मैं भी नहीं उठ सकता। उसने कहा वहाँ पे बैठ के पूछना बड़ा आसान है, खड़ा होकर बोलना बड़ा मुश्किल है। मैं भी आया, मैंने कहा सर मुश्किल होगा, मगर क्या है देखो आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, लोग आपको तब फॉलो करेंगे, सब फॉलो करेंगे जो आप जिंदगी जी रहे हो, जिंदगी को बताओ ना कि बड़ी बड़ी बातें बताओ। नेता मत बन जाओगे भैया ये कर देंगे और वो कर देंगे, करना धरना हमारे इंडिया में भी कमी है, किताबों पे कागजों पे होता है। तो फिर मैंने उसका देखा, नॉर्मली देखा कि भैया चलो ठीक है ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं आया, फिर धीरे धीरे आया तो मौका मिला, मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बना, उनका ऑफिशियली स्पीकर बना, फिर आमिर जवान के साथ जाना मौका मिला। फिर गलती से क्या हुआ कि टीवी पे आ गया, ये तो हरियाणवी है भैया, इसका एक्सेंट ख़राब है, इसका ये सब कुछ है। मैंने ढेर सारे रियलिटी शोज़ किए, अब मैं अपने शो होस्ट करने जा रहा हूँ। फिर देखा ये सारी चीज़ें भैया ये नहीं कर सकता, ये एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं फिल्में करने जा रहा हूँ, सारा लिमिटेशन यहाँ पे है। और मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई चीज़ रोकते हैं ना, कोई बुराई करता है कुछ करता है, तो भैया पता क्या होता है, कोई हमारे पैसे रख जाए ना एक बार पूछो फिर छोड़ दो, कोई कोई किसी का कर्जा उर्जा था पाप वाप हुआ हुआ खत्म हो गया, कोई हमारे पीछे बोलते ना उनको लिए खुश रहो कि भैया कोई हम बुराई करते दिन में कोई गलत हो जाता है तो हमारे सारे पाप यही धो रहे, गंगा जी जाने जरूरत नहीं है। और तो लाइफ में मैं बहुत पॉजिटिव देखता हूँ। अब मान लो कि भैया कुछ भी हो गया, कुछ भी गिर गया, गाड़ी का पंचर हो गया, टायर टूट गया, तो चलो अच्छी बात है, अरे की टायर टूटा है ना, दूसरे तो ठीक है बाकी ठीक करवा लेंगे। और इसी बहाने इस रुके इतनी अच्छी सीनरी देख रहे हैं, इतना अच्छा धूप, इतने अच्छा ये सब कुछ, मतलब लाइफ का क्या है, नज़रिया आपके ऊपर है। गोड और डॉग में पता क्या फ़र्क होता है, डी और जी का फ़र्क होता है। अगर सही सोचोगे तो उधर चले जाओगे और थोड़ा सा उधर सोचोगे तो उधर चले जाओगे, तो ये आपके ऊपर है। सोच हमारी हमें सब कुछ बनाती है। बाकी ढेर सारे होंगे भैया, मैं जगह देखता हूँ कि प्रवचन सुनता हूँ, ढेर सारों के प्रवचन सुनना अच्छी बात में, मगर मैं है ना उस आदमी को फॉलो करता हूँ जो प्रैक्टिकल है, जो ये सब कुछ है। मेरी नज़र में जो बैठ के प्रवचन करते रहते हैं और फिर पाद मारते रहते हैं ना, कोई महत्व नहीं रहता। सॉरी मैं थोड़ा मजाक लग रहा है, मगर क्या है, धर्म क्या है भैया, धर्म है आपका कर्म। भगवान क्या है, भगवान है आपका जो करने की क्षमता है, माता पिता वो सब हैं, बाकी सब चीज़ मिथ्या है, सब झूठ है। कितना ही मैं आपको बना लूँ कि भैया ये धर्म अच्छा है, वो धर्म अच्छा है, हम अब तक यहीं पे हैं, दुनिया चांद पे पहुँच गई है, हम अब तक यहीं पे झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। तो क्या है कि आपकी कथनी करनी फ़र्क नहीं होना चाहिए, कोशिश करो आपको सबको रिस्पेक्ट करनी है, और सबसे पहले क्या है कि इस समाज को एक अच्छा इंसान बनना है। अब काफ़ी चीज़ें लंबी, कर्नल साहब ने खुद अपने आप को गोली मारी थी क्योंकि उसके 2 बेटे थे, ये छोटी सी बात बता रहा हूँ। अमेरिका पढ़ाया, बड़ा सब कुछ किया, इंग्लैंड भेजा, माँ बीमार हो गई, नोएडा की बात है ये, मैंने क्राइम ब्यूरो से उनका रिपोर्ट लिया था, मैं शेयर करूँगा आप सबके साथ। तो वो बेटा आया नहीं, माँ ऐसे नॉर्मली पढ़ी रही कि वो लास्ट में सोच रही थी, ऐसे बेचारी लड़ रही कि बच्चों को देखना चाहती थी। फिर वो छोटे वाला बेटा आया, बोला यार वो नहीं आया, मोनू नहीं आया, मोनू सोनू करके नाम थे, मोनू क्यों नहीं आया, बोला उसने, उसके मुंह से निकल गया कि भैया मोनू ने बोला कि माँ गई तो आप चले जाओ, पापा पिताजी जाएंगे तब मैं आ जाऊँगा। तो कर्नल साहब ने पता क्या किया, अंदर जाके उसने एक चिट्ठी लिखी कि भैया मैं इस देश का, इस सेना का बड़ा गुनहगार हूँ कि मैं समाज को
अच्छे इंसान नहीं दे पाया, मैंने समाज को वो गलत इंसान दिए हैं, गलत नागरिक दिए हैं, क्या बताऊँ। अपनी संपत्ति, अपने जो काम करने वालों के नाम, ऑर्फनेज के नाम, बाकी उसके जगह वो कर दिया और फिर अपने आप गोली मार ली। अब बहुत से मुझे बड़ी बड़ी बात कहते हैं, गुजरात में खासकर देखता हूँ, बाहर देखता हूँ कि मेरा बेटा ना 5 करोड़ पैकेज लेता है, मेरा बेटा 7 करोड़ पैकेज लेता है। मैं कहता हूँ भैया, 15,000 रुपये कमा के अपने घर वालों के साथ बैठे खाना खाना, उस 7 करोड़ से कई लाख गुना बेहतर है एज कम्पेयर उस 7 करोड़ के मुकाबले। 15,000 रुपये कमा लो, क्या फ़ायदा यार, छोटी सी जिंदगी है, ये पैकेज लेता। और मैंने ना एक और ट्रूथ बता रहा हूँ, ये लास्ट बात बोल रहा हूँ फिर ख़त्म कर दूंगा, नहीं प्रवचन ज़्यादा हो जाएंगे, मैं तो बोलता रहूँगा। एक बार क्या हुआ कि मैं उदयपुर चला गया और मेरी आदत है कि मैं होटल में ठहरू कहीं ठहरू, बाहर चला गया घूमने, एक लेडी मिली मुझे, बड़े अप टू डेट, बहुत पढ़ी लिखी, सब कुछ ये लग रहा, बड़ी वेल स्पोकन इंग्लिश उसकी, इतनी अच्छी है सब कुछ, मेरी इंग्लिश तो अलग ही मोदी जी की तरह थोड़ी देर टूट टूट के बोलता हूँ देख देख के, तो वेल स्पोकन इंग्लिश और सब कुछ उसकी बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मैंने पूछा, हाँ माता जी आप क्या करते हो? मेरी बड़ी बेटी है ना न्यूयॉर्क रहती है। मैंने कहा वाह, दामाद का भी वही बड़ा बिजनेस है। मैंने कहा वाह, मेरा बड़ा बेटा है ना ओटावा रहता है। मैंने कहा वाह, मेरा छोटा बेटा है ना एले रहता है। मैंने कहा वाह, मैंने कहा वाह यार कितनी एजुकेटेड फैमिली है आप तो, मतलब कितने माता जी आप कहाँ रहते हो? बोली मैं यहाँ पे वृद्ध आश्रम में रहती हूँ। तो कसम से वो देखा ना, मैंने 90% वो देखे हैं जिनके करोड़ों पैकेज लेने वालों के माता पिता वृद्ध आश्रम में मिलते हैं। देखो ज़रूरतमंद गरीब इंसान है, उसके बच्चे मिल जाएंगे मगर उसके माता पिता नहीं मिलेंगे। वो मॉरल वैल्यूज होते हैं, संस्कार होते हैं। अगर आप नेचर से जुड़े ना, आप धरती से जुड़े, आप इससे जुड़े ना, तो आप भैया पढ़े लिखे अनपढ़ो, आपने ज़िंदगी में कुछ कमाया ही नहीं। नेचर से जुड़ो, सबकी इज्जत करो, किसी ने आपके साथ गलत भी किया ना तो उसको आपके साथ अच्छा करना है, उसमें और हमारे फ़र्क होना चाहिए। अगर सेम हमने कर दिया तो फिर उसमें हमारे फ़र्क क्या रहेगा? तो ज़िंदगी का एक फॉर्मूला है, फिट रहने का, सब कुछ रहने का, खुश रहो, प्रकृति से जुड़ो और ये सोचो कि व्हाट वी कैन गिव आर कंट्रीब्यूशन। ये नहीं कि भैया ज़्यादा देना। एक बार जंगल में आग लगी थी ना, गिलहरी क्या था कि जंगल में आग लगी, गिलहरी एक चिड़िया, छोटी चिड़िया एक चोंच में पानी भरी और आग आग पे डाल रही, कई जानवर देख रहे कि भैया ये क्या करेगी, बताओ जंगल की आगे क्या बुझाएगी। तो पूछा तो क्या कर रही हो? उसने बोला कि करना मुझे पता नहीं, जब भी जंगल की हिस्ट्री लिखी जाएगी ना तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। तो जिंदगी भी वही है, हमें लाइफ में अच्छा करना है, अच्छा बनना है, चाहे कैसी सिचुएशन हो, कितना ही टफ हो। और भैया जिसने ज़्यादा मोह मा कर लिया ना उड़ नहीं पाएगा, हम उड़ने के लिए बने हैं, हम चल भी नहीं पाते, हम बैठे रहते हैं। हम उड़ेंगे तब जब हम किसी को उड़ाएंगे। जिंदगी में अगर आप सक्षम हो और आपने किसी की मदद नहीं की ना तो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, ये बात याद रख लेना। अगर आप सक्षम हैं, आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, तो भैया ज़िंदगी में हमने कुछ नहीं किया। हम आए हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, फिर वो कोरों में हमारे कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो आप सब खुश रहो, मालिक आप सबको खुश रखे, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। और वायरस है, इस वायरस से लाख गुना हमारी बॉडी ज़्यादा प्रतिरोध, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो हिरण मत बनो। हमारी रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोरोना की रफ्तार तो सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटा भी नहीं है, वो हमें नहीं पकड़ सकता। बस ये है, बशर्ते थोड़ी प्रिक्यूशंस रखो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू। ये पानी साफ है भैया, वेस्ट मत करना। देखो मैं वही तो बात बोलता हूँ ना, जहाँ पे दूसरी चीज जाऊंगा तो स्पीच सेम नहीं दूंगा। एकदम नेचुरल स्पीच दिया, कंप्लीट नेचुरल, किताब पढ़ता है, नथिंग स्क्रिप्टेड, दिल से सर, दिल से। और ये से पहुंच के प्रो की निकाल दे, सब निकाल पास के लिए मैं दो गलती रह गया, मैं इसको अपने चैनल पे डाल लेता, रिकॉर्डिंग कर लेता। ठीक है, आप अपने चैनल पे डाल दो, आप वो देख लेना। सर वी आर स्पीचलेस, देयर इज नथिंग इन योर स्पीच व्हिच इज नॉट इंस्पायरिंग, विच इज़ नॉट मोटिवेशनल। हम लोग रिकॉर्डिंग देने वाले अपने मेम्बर्स के साथ, एंड वी ईच ऑफ अस विल लिसन टू यू अगेन। सुनते ही रहे सर, दिस इज फ्रॉम अवर हार्ट। 4 lines फॉर यू सर। दुआ है
कि कामयाबी के हर शिखर पे आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना, जो आप करते ही है सर, हमारी दुआ है कि वक्त भी आपका गुलाम होगा। थैंक यू सो मच डियर ऑडियंस, स्टे कनेक्टेड। वी आर गोइंग टू फ्लैग ऑफ द इवेंट विथ फ्यू सरप्राइजेस फॉर यू, बट एज द सेक्रेटरी ऑफ अहमदाबाद ब्रांच, इट्स माई ड्यूटी ऑफ रिटर्निंग थैंक्स टू एवरी वन हु हैज मेड दिस डे वंडरफुल। वॉट अ वंडरफुल डे, वॉट अ वंडरफुल मॉर्निंग। सर ये इसका इफेक्ट पता नहीं कितने दिनों तक रहेगा हमारे साथ। सो स्टार्टिंग विथ our vice president, he has shared the importance of walk and meditation along with the importance of physical and mental health. The president sir has also shown us the people's priority have changed, the health is very being important, and has congratulated Ahmedabad branch for associating this goal with one of the goals of self development of health and fitness. Our own CCM sir has also shared that every one of you take the image today so we can have before and after image along with the BCA and fitness test measures. WRC chairman has also congratulated Ahmedabad branch for taking all the innovative initiatives right from vaccination, food kit distribution and this 73 day movements. Sapna Vyas sharing just a few things, taking a SWOT analysis, making practical goals. Go slow, since the movement is for 73 days, go slow if you want to continue for 73 days. Engage in the right conversations. Fall, but don't fail to get up. I'll just summarize. In fact, every word of you makes a lot of sense, but kuch kuch cheeze jo dil se chhu gayi hai, sir. Importance of fear. Fear will overcome your true abilities, so don't be fearful. Importance of ummeed. Champion wo hota hai jo lagatar kaam karta hai, lagatar koshish karta hai. खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल, हंसना चार टाइम. दिल से खुश रहो, गॉड इज विद इन अस. बी एथिकल, बी योर ओन फ्रेंड, बी योर ओन दोस्त. सर सक्सेस का तो क्या आपने डेफिनेशन दिया है, अमेजिंग. आई हैव रिटन ईच एंड एवरी ईयर राइट फ्रॉम 1 year to 90. 12 ईयर्स में जो फ्रेंड्स है वही आपके साथ 90 ईयर्स में आपके साथ हो, दैट इज कॉल्ड 75, yes, 75 same friends which you have in your 12 year. And at 90, you can, without any support, just like 1 year, you can walk without any support. That is amazing. Amazing definition of success. Age is just a number. I would also like to congratulate and thanks all the 14 branches chairmen for being associated with Ahmedabad branch. I would also like to thank our fitness experts, CA Mrunal Ved, CA Jitendra Dave, Vijay Bhai, Pramod Bhai. I would also like to thank each and every team leader associated with us, CA Bharat Oswal, CA Kareem Lakhani, CA Sagar Shah, CA Devanand Jetnani, CA Mohit Timberwal, CA Sohil Parikh, CA Jaimin Panchal, CA Purvi Shah, CA Tanopriya Patel, CA Asav Shah, CA Anurudh Singh Vagela, CA Kaushal Shah, CA Pragya Mohan, CA Siddharth Patel. Thank you for being with us. We also congratulate more than 1800 participants across 16 states, 122 cities and 3 countries. We are also thankful to all volunteers and coordinators of Movement 73 for making it possible. I'm also glad we have a strong backbone of IT team, Shehzad Bhai, Siddharth Bhai and team. We have a wonderful admin team at Ahmedabad branch, Piyush Bhai, Nigan Bhai and all our wonderful peons. We are also thanked to all our sponsors, 93.5 FM, Fitness Experts and Nimba Care. Lastly, being a team member, I would first congratulate our chairman. It is his dream and vision to take this initiative at this level. I still remember, as the secretary, the first thing he has shared when he took the charge, hame ye Movement 73 karna. I still remember those words. So that shows your commitment and contribution to the profession.
The strong team behind the chairman, Vice Chairman C.A. Bhishan Shah, Treasurer C.A. Sunil Sangvi, Regional Council Member C.A. Chintan Patel, C.A. Vikas Jain, C.A. Hitesh Pomal, our past chairman, even though they have been past chairman, they are everywhere, every time available with us, C.A. Fanil Shah, C.A. Ganesh Nadar. I'm also very much thankful to our Managing Committee Member Rahul Maliwal and Mukesh Radod Ji, the Commissioner, Joint Commissioner of GST, for bringing Sangram Singh to here. So a big, big congratulations to them. I would also like to thank our Vikasa team, the Vikasa students, Jay Motwani, Vraj Choksi and Akshar Shah for being present. And lastly, all the virtual members being there, thank you so much for being with us today. And lastly, we are flagging off the event with cake cutting and some few surprises from our chairman. And also wishing a very happy birthday to our chairman. Thank you, Anjali Ben. I think I should give a vote of thanks to her vote of thanks, because it was amazing speech. A few surprises before we just announce for tomorrow. So tomorrow 7 to 8 we are starting with Zumba, so you all will be getting the link today. Another thing, I think Fennel is working really hard with the walking and running and cycling groups. So today the groups will be formed, you will be, you know, allotted in the respected groups. And once you are there, the team leaders will motivate you, and from tomorrow, whatever activity you do, take a selfie, post it in the group, let us be all active from tomorrow. As I said, we are developing an application that it will take a little bit more time. So till that time, keep a record of your activities, your Strava, whatever apps you use, Fitbit, please record whatever you are doing daily basis, because once the app will be on, you will be allowed to, you know, download and put in the data in the app. Second thing, on the BCA test, I think I'm still getting a lot of messages. So those who are outstation, I will be putting a simple message in the group. Try to put your details to that WhatsApp number only, not to any one of us numbers, because you are not going to conduct any test. Please do sincerely, put your details in that WhatsApp number, and the team will call you and they will coordinate with you for all the details. Another thing regarding the surprise that we had, I think we had announced right on day one that whatever registrations we are going to get, in the sequence of 73, we are going to give them a special prize. And today we have 1825 registrations to be exact, and the registrations are still coming in. I think I was sitting there and members are asking whether my family members can still register. I'm saying yes, we want to reach at least 3000 is what we should be our goal. So at 1825 we have 25 winners, because now first time I've read the table of 73 when we were just missing a list today. So the first in, I'll not say any sequence, but I'll say the one who is registered in the 73rd serial number is Binal Jasani from Mumbai. She's a student. Then 146 is Nishika Mashruwala from Ahmedabad. 219 is Arpit Kothari from Chennai. 292 is Rishabh Jain, again from Ahmedabad. 365 is Nikita Talati from Ahmedabad. 438 serial number is Nikunj Patalia from Ahmedabad. 511 is Tirth Shah, again from Ahmedabad. 584, Khushbu Sharma from Ahmedabad. 657, Chintan Shah from Ahmedabad. 730, Mitali Goswami from Bharuch. 803, Varsha Upadhyay, again from Ahmedabad. 876, Nikita Soni from Navi Mumbai. 949, Dilip Jani from Ahmedabad. 1022, Shreyansh Thar, again from Ahmedabad. 1095, Harsha Harwani from Junagadh. 1168, Ayush Garg from Ahmedabad. 1241, Paulomik Thakkar from Ahmedabad. 1314, Avinash Talreja from Ahmedabad. 1387, Jinay Modi from Ahmedabad. 1460, Jinali Shah from Ahmedabad. 1533, Riya Sirvoikar from Goa, from Panaji, Goa. 1606, Ankita Sajdev from Faridabad. 1679, Vishwesh Kumar Surana from Guwahati. 1752, Parul Shah from Ujjain. And 1825, the last session that we closed today morning was Drashti Sangvi from Mumbai. Wow. So congratulations to all the 25
Winners, I think you'll be getting something at your home. Again, that's a surprise. Let us wait for that. So congratulations again. And now I would request to please get in the a small cake, basically to kickstart the movement. And I just want to address to everybody one more thing, that in case you have any queries, any issues regarding the connectivity of Zoom or anything, let us, we all are available all the time. You can send us a WhatsApp and we'll be there with you. Especially obesity, we can't stop killing it.